लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मदरसा दारुल उलूम जहूरुल इस्लाम ने स्वतंत्रता दिवस मनाकर दिया एकता का संदेश। यूपी के जनपद महाराजगंज के मदरसा दारुल उलूम जहूरुल इस्लाम गोविंदपुर पोखरभिंडा में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। झंडारोहण करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मदरसा दारुल उलूम जहूरुल इस्लाम के प्रधानाचार्य कारी अजीमुद्दीन निजामी व मौलाना वसीम अख्तर अजीजी, हाफिज आफ्ताब आलम निजामी, कारी मोहम्मद अली निजामी व प्रबंधक सहित तमाम आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि 15 अगस्त के दिन हम सभी को एक महत्वपूर्ण यौम आजादी स्वतंत्रता दिवस एकजुटता के साथ मनाना चाहिए, जिससे आजादी को दिलाने में कई वीर सपूतों ने अपनी जान को कुर्बान किया, जिससे हमारे वीर सपूतों के वजह से हम नींद की साए व अमन सुकून से अपनी हर काम को अंजाम दे रहे हैं। और मदरसे के बच्चों के हौसले को बुलंद कर बताया कि ये हमारे देश के भविष्य हैं। इस कोरोना संक्रमण के बढ़ते महामारी में हमें उचित दूरी व मास्क जरूरी को बरकरार ध्यान में रखना होगा और कहा कि आजादी के लिए मेरे देश के वीर जवानों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ऐसे वीर जवानों को सलाम और नमन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पारी मोहम्मद अजीमुद्दीन निजामी, प्रिंसिपल दारुल उलूम अहले सुन्नत जहूरुल इस्लाम गोविंदपुर खरबिंडा महाराजगंज। यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के हसीन मौके पर हम अहले वतन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। यूपी के जनपद महाराजगंज के बहुवार से तैयब अली चिश्ती की रिपोर्ट।